शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोडी रोड्स के साथ में और शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उनका आयुष ब्रेक होने वाला है जितना हम लोगों ने डर्ट शीट्स में देखा इवन अपनी वीडियो के अंदर भी बताया था कि छह महीने का उनका जो ब्रेक है एटलीस्ट वो हो सकता है बट मेरे दिमाग में ज़्यादा तो यहाँ पर बात करने के लिए है नहीं बस यही है कि दिक्कत ये होगी डब्ल्यू के साथ कि बंदे को पिछले महीने में जिसको सबसे तगड़ा बिल्ड किया और जिसको ये सोच के रखा कि हाँ ये हमारा टॉप बेबी फेस है अब वही नहीं होने वाला आधे साल तक डब्ल्यू के पास में बिल्कुल और आई थिंक कि कोडी रोड्स को इस तरीके से बिल्ड करा जा रहा था कि भाई तीन बार अगर सेथ रॉलिंग्स को हरा दिया तो आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा ही करने वाले थे मे भी मनी इंद बैंक जीतने वाले थे जिसके बारे में हम बात करेंगे मे भी वो रोमन रेंस को हराने वाले थे आगे जाके एक टाइटल के लिए रोमन के बारे में हम बात करेंगे लेकिन आई थिंक कि कोडी रोड्स के लिए मुझे वैसा ही काइंड ऑफ फील हो रहा है जैसे सी एम पंक के लिए जबकि कोडी रोड्स की जो इंजरी है वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और मे बी वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर रहेंगे लेकिन इस चीज़ को मैं मैंशन करे बिना आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता कि रोहित जो परफॉर्मेंस हेलिन सेल में कोडी रोड्स ने दिया उस इंजरी के साथ और उसके बाद रॉ पे आके प्रोमो कट करना एक बार फिर से एक सेगमेंट देनी से थ्रॉलिंस के साथ आई थिंक कि जब कोडी रोड्स ने आके बात बोली थी कि हाँ भाई डब्ल्यू डब्ल्यू में मैं आया हूँ सिर्फ अपने लिए इस बार और सब कुछ मुझे अपने लिए इस बार करना है कोडी को ऊपर लेके जाना है आई डोंट थिंक वो झूठ बोल रहे थे उस बारे में बिल्कुल उनका जो पैशन है रेसलिंग को लेके वो साफ दिखता है और अच्छा ये भी लग रहा है कि डब्ल्यू उनकी इस बार वैल्यू समझ समझिए मतलब तू यहाँ से खुद देख कि अब डब्ल्यू को ये तो समझ आ गया होगा कि हेल्ले सेल में कोई रोड्स कम्पलीट कर रहा है अब ये उसका आखिरी मैच है इंजरी से इंजरी के बाद का और उसके बाद तो अब वो आएगा बहुत टाइम के बाद लेकिन उसके बावजूद भी डब्ल्यू ने उनको सेल्स रॉलिंस के सामने जितवाया यूजअली जब डब्ल्यू की सुपरस्टार को ब्रेक देती है तो उसको तहस नहस कर देती है काइंड खंडपो या फिर उसके साथ अच्छा नहीं होता लेकिन टेलीविजन पर इतना कमाल का मैच सॉरी प्रीमियम लाइव एंड काफी अच्छा तो इससे क्लियरली पता लग रहा है कि सीरियस और शायद कोडी रोड्स उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में आने वाले जिनको WWE करके फिर कर देती है लेकिन कि एक लिस्ट जहां पे कोडी रोहित तो और अभी से ये बात मैं बोलने वाला हूँ बैंक अगर वो नहीं जीत रहे आ, अगर वो जीतते ठीक है तो तो हम कहते हैं कि अब रॉयल रंबल में क्या ही जीतेंगे क्योंकि फिर थोड़ा वो लगता है यार ये तो रॉकेट पुश हो गया और बहुत सारे लोग फिर उसको हेट करने लग जाते हैं और आई थिंक कोडी रोड्स भी शायद खुद से पीछे हट जाते हैं इस बात को लेकर क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ वो वो ये कहते नहीं अब सब कुछ मैं ही थोड़ी यार चलो चैंपियनशिप वगैरह दे देना इतना सब कुछ नहीं तो अब सबसे बड़े तगड़े सबसे लिस्ट में ऊपर वाले कंटेंडर डेफिनेटली है वो अभी से रॉयल रंबल दो हजार तेईस को जीतने के लिए डेफिनेटली और मैं उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ देखते हैं भाई हो सकता है रॉक का चांस बने